भाई और बहनों सीधे बोल देता हूँ, यूबीसॉफ्ट को कोई नीड नहीं थी इस गेम को बनाने के लिए। मतलब कि भाई इतनी बेसिक चीज आप गेम में डाल रहे हो जो कि आउटडेटेड हो चुकी है, स्टोरी इज बिलो एवरेज एंड उसमें भी बहुत लेट से कनेक्ट करवाती है कैरेक्टर्स के साथ, बग्स ग्लिचेस एंड परफॉर्मेंस इश्यूज से भरा पड़ा है कि ओवरऑल गेम को देख के बस यही फीलिंग आती है कि डिव्स ने बहुत ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश करी है। भाई यार इट्स यूबीसॉफ्ट जो एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी चीजें बनाती थी बट टाइम के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ डाउनग्रेडेड होती जा रही है। वेल हेलो गाइस, मैं हूं जैसर और आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स आउटलॉस के ऊपर जो मेरे को डायरेक्ट लाइब्रेरी में दे दी यूबीसॉफ्ट ने, वरना भाई पक्का गिव अवे कर देता। सो यार लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो दोस्तों, स्टार वॉर्स के यूनिवर्स पे बेस्ड बनी ये गेम आउटलॉस डजंट फिट एंड फील एज अ स्टार वॉर्स गेम और इवन अ स्टार वॉर्स रिलेटेड मीडिया, और कोई नीड नहीं थी ऐसी थर्ड क्लास शूटिंग गेम बनाने की। भाई 100 बात की एक बात, तुम लाख इन्वायरमेंट्स और स्टोरीज ऐड कर लो स्टार वॉर्स की, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो स्टार वॉर्स को स्टार वॉर्स बनाती है वो है लाइट सेवर एंड ऑफ कोर्स जेडाई। एंड इस चीज पे ऑलरेडी एक गेम बन रखी है बहुत अच्छी, जेडाई फॉलन ऑर्डर की सीरीज, तो कोई तुक था ही नहीं एक डिफरेंट अप्रोच लेके गेम बनाने का, और उसमें भी इन गवारों ने हक दिया। भाई यार गेम प्ले इतना ज्यादा बेसिक है कि मतलब क्या ही बोलूं भाई, तुम्हें फीलिंग आ जाए कि भाई तुम कोई 2010 या 2012 वाली गेम खेल रहे हो। मतलब भाई एक तो यार हर चीज में इनको घुसाना है ब्रोकन पार्कर सिस्टम। भाई पूरे गेम में मेरे को वियर्ड पार्कर एक्सपीरियंस मिला, चाहे वो जंपिंग हो या ग्रैपलिंग हो या फिर वॉल क्लाइंबिंग हो। इसके अलावा भाई गेम प्ले फ्रॉम द स्टार्ट से लेके एंड तक टोटली बोरिंग है, इतनी ज्यादा बोरिंग कि भाई मैं तो अपना पेशेंस ही छोड़ दिया स्टार्टिंग के मिशंस में ही। आई वॉज लाइक कि भाई भाड़ में गई इनकी स्टेल्थ जो बकवास थी, बिल्कुल ही बकवास, जस्ट लाइक इनके स्कल एंड बोन्स के डेवलपर जैसी, यानी कि यूजलेस डंकीज। और पता है भाइयों, इनको ये चीज पता थी कि गेम गू है एंड बोरिंग भी है बिकॉज घटिया आउटडेटेड गेम प्ले एंड लेवल डिजाइन ने जो हग हगी करी है गेम में, आदमी स्टेल्थ अप्रोच करेगा ही नहीं, और ये बात गेम को पता थी। तो इन्होंने क्या किया कि भर दिए मिशंस कंडीशंस वाले, जहां पे आप काउट हो गए तो वापस फ्रॉम द स्टार्ट से मिशन को करना पड़ेगा, जो भाई अनदर पेन इन द एस सिस्टम है। देखो गाइस 3 से 4 मिशंस होते ना तो समझ में आती, लेकिन भाई इतना ज्यादा रिपीटेटेड शिट इन्होंने मिक्स कर रखा है, साफ शब्दों में बोलूं तो एकदम से जो गू ओवर किया है गू सॉफ्ट ने, महाटट्टी। भाई मैं और खेल ही नहीं पाया इस गेम को। प्लस इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा, गेम का गेम प्ले पार्ट बहुत वीक है इन टर्म्स ऑफ स्टेल्थ एंड डायरेक्ट अप्रोच, बोथ ऑफ देम डजंट फील कि हाँ भाई कुछ चैलेंजिंग या फिर मजेदार तुम्हें मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, वो भी बॉट्स के साथ। यस यू गॉट माई पॉइंट, टोटली घटिया एक्सपीरियंस। भाइयों इतनी बेसिक चीजें इन्होंने ऐड कर रखी है कि यार एल कुछ मजा नहीं आता है, और मेरे पे अभी वाईफाई भी नहीं है, मैंने मोबाइल डाटा से इस गेम को डाउनलोड किया बहुत मुश्किल से, जिसके बाद जो मेरा मन किया है यूबीसॉफ्ट को गाली देने का, इस चीज का कोई हिसाब नहीं है। मतलब भाई ये गधे करते क्या है ऑफिस में? ओ हाँ, वो किजम फैलाना, सालों का दिमाग पूरा का पूरा कूड़ा हो गया है। रंगीन चीजें छोड़ के थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट चीजों पे आएंगे तभी इनसे अच्छी गेम बनेगी, लेकिन नहीं, इतना गू बनते जा रहे हैं ना ये कि भाई फ्री फायर वाले भी लोग काली देके चले जाएं। एंड भाइयों एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट होती है जब आप व्हीकल पे होते हो किसी भी गेम में कि यार आप शूट कर सकते हो, ओ हम तो गू सॉफ्ट है, हमें तो बस गू खाना और खिलाना आता है, व्हीकल चलाने के दौरान हम आपको कद्दू कुछ नहीं देंगे सिवाय डेडाई के, वो भी एक ही बार यूज कर सकते हो। एक तो भाई इनमी के बाइक भी आप नहीं चला सकते हो, पता नहीं क्यों, किसी जानवर को ठोकने जाओ तो पता नहीं क्या कुछ अलग सा हो जाता है। एंड भाइयों इनके अलावा बहुत सी भरी हुई चीजें हैं जो बिल्कुल ही कॉमन होती है अलग गेम्स में, लेकिन इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ गो सॉफ्ट इसमें तुम्हें मिलेगी ही नहीं। मेन क्वेस्ट के अलावा जब साइड की चीजें या फिर फ्री रोम करते हो तब भी गेम में कुछ मजा नहीं आएगा सिवाय इनके थोड़े से इन्वायरमेंट्स के। बट भाई साला इससे अच्छा मैं अगर गोलम खेल लेता ना भाई तो ज्यादा मजा आ जाता। देखो भाई वो मेरी पर्सनल खुन्नस हो गई है इस गेम से, क्योंकि इसने मेरे 47 GB बर्बाद कर दिए। इसके चक्कर में मैंने SSD से गेम्स डिलीट मार दी, बहुत पापड़ बेले। 4G मोबाइल डेटा उसमें भी 361 वाला रिचार्ज लगा के डाउनलोड किया, और रिजल्ट क्या मिलता है, स्टार वॉर्स इट लॉस गो गेम प्ले बेस्ड ऑन टट्टी यूनिवर्स बाय गूसॉफ्ट। भाड़ में जाइए और इनकी गेम, कोई जरूरत नहीं इतनी ओवर प्राइस गेम को लेने की, क्रैक भी हो जाए तो मत खेलना। एंड भाई क्या ही बोलू परफॉर्मेंस पे, मतलब की फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद भी गेम सस्टेन नहीं कर पाती है, इतनी ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड है कि 60 फ्रेम्स भी जनरेट नहीं कर पाती है, और फिर एक्स्ट्रा बग और आ जाती है एम प्रॉब्लम की विद फ्रेम जनरेशन, आपको दिक्कत होती
होती है एम और शूट करने में। देखो दोस्त, मेरा एक्सपीरियंस इस गेम के साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। पूरे गेम के दौरान मैंने सबसे ज्यादा इंजॉय करी है ये पार्ट एंड ये वाली लॉक पिकिंग वाली पार्ट भी। एंड भाइयों, इसके पता नहीं कैंसर पजल है भाई, कुछ भी कर दो भाई अनलॉक हो जाती है। इसके अलावा एज यूजुअल यूबीसॉफ्ट के एनवायरमेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिक आर्टिस्ट भाई किसी भी अदर गेम के कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे पीक का काम होता है। एंड ये चीज तुम्हें इस गेम में भी दिख जाएगी, फ्रॉम द म्यूजिक टू द एनवायरमेंट्स, हर एक चीज टॉप नॉच। लेकिन हमें कोई मूवी थोड़ी देखनी है यार, गूस ऑफ गेम प्ले पार्ट कब सुधारेगी। वेल दोस्त, इससे ज्यादा मैं इस गेम को वैल्यू नहीं दे पाऊंगा। अब फाइनल बात बोल दू, इट्स बिलो एवरेज गेम फॉर बिलो एवरेज गेमर्स। जिन्होंने जीवन में सिर्फ गू खाई है उन्हें ये गेम बहुत अच्छी लगेगी, बट एक्चुअल में ये बस बिलो एवरेज गेम है। सो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड गूसॉफ्ट मेरे 361 रुपीज दे दो, प्लीज दे दो। सो भाई, आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड जो चाहो वो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।